मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच भाजपा के दिग्गज विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का समर्थन किया है। डॉक्टर मिश्र ने कमलनाथ सरकार में योग्य व्यक्तियों को दरकिनार करने पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस सरकार को एक मजबूर सरकार बताया है। मंत्रिमंडल का पैमाना अगर योग्यता नहीं होगा, मजबूरी होगी, तो सरकार कहां दिखेगी? मजबूरी परसी हुई पूरे प्रदेश में दिख रही। लादरणी लक्ष्मण सिंह जैसे योग्य व्यक्ति अगर बाहर होंगे, केपी सिंह जैसे सीनियर व्यक्ति बाहर होंगे, आदरणीय बिसाऊलाल जैसे सीनियर व्यक्ति, आदरणीय ऐदल सिंह जी जैसे योग्य व्यक्ति अगर बाहर होंगे, तो प्रदेश में सरकार नाम की चीज दिखेगी नहीं, और वो नहीं दिख रही। मैंने सुबह भी कहा था ये वाली बात, अब मेरी बात की पुष्टि आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ने कर दी है कि सरकार मजबूरी में चल रही है। सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री से लेकर संसदीय कार्य मंत्री तक जोड़ तोड़ की बातें अगर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार कहां से दिखेगी। स्कूल भी खाली होंगे और डेंगू से लोग भी मर रहे होंगे। आज प्रदेश की हालत बहुत खराब है। लूटपाट की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं कि अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी, और जो रोक लगाता है उसका स्थानांतरण करके अधिकारी को बता देते हैं कि तू रुक नहीं पाएगा अगर रोकेगा तो। एसडीएम और कलेक्टर लड़ते हैं, एक का भी ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि वो अवैध माइनिंग में लिप्त हैं। तो ये ऐसी सरकार चल रही है कि जो ऊहापोह की स्थिति में है, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी सरकार है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।